राष्ट्रीय युवक कांग्रेस की सभा मुंबई में संपन्न हुई, जिसमें हिंगना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत चुनाव में कांग्रेस के कोटे में देने की मांग युवक कांग्रेस के प्रदेश सचिव वाड़ी निवासी अश्विन बैस ने की। बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, राष्ट्रीय युवक कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अलवर, राष्ट्रीय युवक कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बी, प्रदेश युवक कांग्रेस अध्यक्ष कुणाल राउत सहभागी हुए। हिंगना विधानसभा क्षेत्र के संगठनात्मक कार्य का अहवाल प्रस्तुत करते हुए बैस ने उपस्थित पदाधिकारियों का ध्यान आकर्षित करते हुए बताया कि हिंगना विधानसभा क्षेत्र गत 40 वर्षों से अपने सहकारी राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में यह सीट कांग्रेस के कोटे में देने की मांग की। इससे क्षेत्र में कांग्रेस का संगठन कार्य बढ़ेगा व चुनाव में ये सीट जीत हासिल करने में कामयाबी मिलने का विश्वास उन्होंने अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों के समक्ष व्यक्त किया। इस प्रस्ताव पर प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने आने वाले चुनाव में महाविकास अघाड़ी गठबंधन को देखते हुए निश्चित ही राज्य स्तर पर होने वाले विधानसभा स्थानों के फेरफार में यह हिंगना विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस को देने के प्रयास का भरोसा व्यक्त किया। 17-18 तारखेला मुंबई मध्ये राष्ट्रीय युवक काँग्रेसची मीटिंग झाली। त्या मीटिंग मध्ये प्रदेशाध्यक्ष नानाभाऊ पटेल, राष्ट्रीय युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष श्रीनिवास बी, राष्ट्रीय युवक काँग्रेसचे प्रभारी कृष्ण अलवर आणि प्रदेश युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष कुणालदादा राऊत उपस्थित होते। तिथे आम्ही युवक काँग्रेसतर्फे मागणी केली की हिंगना विधानसभा हे महाविकास आघाडीमध्ये काँग्रेसला देण्यात यावी, कारण की मागे 3 वेळेस 3 राष्ट्रवादीचा इथं पराभव झालेला आहे। महाविकास राष्ट्रवादीच्या जे आघाडीमध्ये आपण राष्ट्रवादीला सीट देण्यात आली होती, हे 3-3 राष्ट्रवादीचा इथं पराभव झालेला आहे। म्हणून या वेळेला आता काँग्रेसला इशू हिंगना विधानसभा काँग्रेसला देण्यात आली आणि मी काँग्रेसकडून नानाभाऊ यांना हमी दिली आहे की काँग्रेस नक्की अगर काँग्रेसला यावेळेस सीट दिली तर काँग्रेस इथून निवडून येणार। म्हणून नानाभाऊ पाटोले यांनी सुद्धा आम्हाला हमी दिली की महाराष्ट्रामध्ये जे फेरबदल होणार आहे तिकीट वाटपाच्या, त्याच्यात आपण हिंगना एक काँग्रेससाठी सोडू, काँग्रेसला तिकीट मिळाली तर नक्कीच तयारी राहणार। म्हणून आम्ही काँग्रेससाठी इथे हिंगना विधानसभामध्ये तिकीट मागितली आहे की काँग्रेसला तिकीट देण्यात यावी आणि काँग्रेसचं इथं चांगलं हे आहे, माहोल आहे आता, कारण की राहुलजी गांधी यांची भारत जोडो जी यात्रा झाली, त्याच्यात आपल्याला कर्नाटकमध्ये दिसलं नसणार काय रिझल्ट मिळाला। म्हणून आता भाजपला इथं भाजपच्या पराभवासाठी काँग्रेसला तिकीट देण्यात आली, आम्ही नाना पटोले यांना मागणी केली। NBC न्यूज के लिए वाडी से संवाददाता की रिपोर्ट।